हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एस एस बीजाम से इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू सो दैट यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली इन पीपीडीटी स्टोरी नरेशन जैसे आपको पता है पीपीडीटी पिक्चर इन डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज द सेकंड ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इन एस एस बी ये पीपीडीटी आपको स्क्रीनिंग के लिए हेल्प करता है और इस पीपीडीटी में बेसिकली तीन पार्ट्स रहते हैं स्टोरी राइटिंग स्टोरी नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन तो आज जो हम लोग हमारे सेशन में बात करेंगे वो सेकंड पार्ट ऑफ द पीपीडीटी स्टोरी नरेशन के बारे में करेंगे कैंडिडेट्स काफी डाउट में रहते हैं दैट हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली इन द नरेशन कि एस को सुन के लगे कि हा भाई ये कैंडिडेट जो है बहुत अच्छे से नरेट कर सकता है एंड उससे उनका इंप्रेशन भी बना रहे तो चलिए देखते हैं वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली इन द पीपीडीटी स्टोरी नरेशन सो so बेसिकली आपको नर्वस नहीं होना है जी हाँ नर्वस होना काफी यूजुअल है नॉर्मल है एक्सपीरियंस लोग भी काफी नर्वस हो जाते हैं जब उनको इतने भारी भरकम स्क्रीनिंग में पीपीडीटी uh, में बैठ के पंद्रह बीस लोगों के ग्रुप में वो भी तीन तीन अस सामने बैठे उनके सामने बात करना पड़ेगा एवरी वन विल बी नर्वस बट डोंट ट्राई टू एलिमिनेट योर नर्वसनेस यू नो फाइटिंग विद इट टर्न दिन टू एनर्जी विच कैन बूस्ट योर स्टोरी नरेशन प्लीज रिमेंबर हिपिडिटी स्टोरी नरेशन के लिए बस आपको एक मिनट ही मिलेगा यानी कि आप ए पूरा दिन नरेट करोगे सो यू कैन इजिल पुल इट ऑफ सो येस इफ यू आर वीलिंग नर्वस टेक डीप ब्रेथ बट बी कॉन्फिडेंट दैट ओके इट इज ओनली अ मैटर ऑफ वन मिनट सो लेट मी नरेट एंड इट विल बी ओवर नेक्स्ट इज प्रिपेयर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में स्टोरी राइटिंग करोगे स्टोरी राइटिंग के बाद आपको एटलीस्ट फाइव मिनट्स टाइम मिलेगा जिसमें आपका ग्रुप डिवाइड होगा और डिफरेंट रूम्स में बुलाए जाएंगे आपको असेसर्स के सामने बैठना है इंस्ट्रक्शन मिलेगा सो एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट्स टाइम इसमें जाएगा तो आपको इसी टाइम को यूटिलाइज करना है बाय रिवाइजिंग बाय स्पी बाय नरेटिंग द स्टोरी दैट यू हैव रिटन अ फ्यू मिनट्स बिफोर इन योर माइंड अगेन एंड अगेन

प्रैक्टिस नरेशन इन योर माइंड एंड ट्राई टू रिमेम्बर द स्टोरी फुल्ली कंप्लीटली फॉर योर नरेशन द नेक्स्ट इज रिहर्स जैसे मैंने कहा दट बिफोर द नरेशन एंड द जी डी यू यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट इन योर माइंड लाउडली दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपना स्टोरी लेकिन बाकी टाइम आप अपने माइंड में कर सकते हैं डोंट रिमेमराइज योर स्टोरी रट्टा नहीं मानना है और डोंट प्रैक्टिस इट वर्ड फॉर वर्ड बस आपको मेन पॉइंट्स याद रखना है पॉइंट बाई पॉइंट जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट एंड इमेजिन एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ फ्रेंड ठीक है अगर आप ऐसे याद रखोगे और, और प्रैक्टिस करोगे यू सी दैट यू कैन डिलीवर द नरेशन वेरी इजिली ड्यूरिंग द नरेशन पार्ट ऑफ पीपीडीटी नेक्स्ट इज कनेक्ट विथ योर ऑडियंस क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेंजर्स के सामने बहुत डरते हैं लेकिन जब हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के सामने बात करते हैं तो उतना नर्वसनेस या डर नहीं फील होता तो मेक स्टार्ट मेकिंग टू फेमिलिराइज योर सेल्फ विद योर ग्रुप तो जब ग्रुप आपका डिवाइड हो जाएगा टॉक टू देम ठीक है थोड़ा सा छोटा मोटा चैटिंग कर लीजिए फर्स्ट यू रिहर्स योर नरेशन ओके देन स्टार्ट टॉकिंग अदरवाइज डोंट डू दैट यू हैव प्रैक्टिस योर नरेशन इन योर हेड सो लुक देम इन आई एज यू स्पीक टू देम दो तीन छोटा मोटा बात कर लो कहा से आए हो क्या करते हो ठीक है यू नो यहाँ पे वॉट आर योर प्लान कितने बार एस एस बी आए वॉट एवर जो भी है थोड़ा छोटा मोटा बात कर लो इससे क्या होगा आप बहुत इजी फील करोगे जब आपका नरेशन का टाइम आएगा यू यू कैन कैन फील आई नो राइट दे सो वो लोग भी लेवल फील करेंगे आपके बात सुनेंगे और आप भी लेवल फील करोगे टू नरेट इन फ्रंट ऑफ फोकस ऑन योर ऑडियंस जैसे मैंने कहा स्टॉप फोकसिंग ऑन योर जब आप नरेट करोगे आपको हर एक ग्रुप मेंबर्स के आंखों में देखना है डो नॉट लुक एट असेसर्स एंड नरेट और डो नॉट लुक एट द ग्राउंड और इन द स्काई और ओनली एट वन पर्सन नो

नरेशन में बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेट कर देते ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते चीजों को आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ठीक है यू हैव टू कम्युनिकेट एंड टेल द स्टोरी ओनली सो कीप इट शॉर्ट सिंपल यूज शॉर्ट सेंटेंसेस सिंपल वर्ड्स अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं है टू नॉट बॉरी ये इंग्लिश टेस्ट नहीं चल रहा है यहां बस आप जो स्टोरी बोलोगे वो बाकी लोगों को समझ में आना चाहिए ओके सो यू सिंपल वर्ड्स सिंपल इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल ओके नेक्स्ट इज विजुअलाइज सक्सेस स्टार्ट टू विजुअलाइज डू नॉट नेगेटिव योर माइंड डू नॉट मेक योर माइंड नेगेटिव डोंट थिंक कि नहीं मुझे तो नहीं मिलेगा मुझसे नहीं होगा इस बार नहीं होगा डोंट थिंक लाइक दैट ओके आई एम गोइंग टू हैव कॉन्फिडेंस इन कि नहीं मुझे मिलेगा ही मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं जरूर कर पाऊंगा है ना इस तरह आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना सक्सेस को विजुअलाइज करते रहना अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्लोज आईज टेक ब्रीथ ओके इनहेल एंड एक्सेंट जैसे मैंने कहा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इज गोइंग टू टू लिसन यू सक्सेसफुल्चर योर सेल्फ स्पीकिंग कॉन्फिडेंस यू 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 सी सी विल दैट हैव स्पोकन और स्पीक विथ कॉन्फिडेंस ओके तो जो आप सोचोगे वही आप करोगे अगर आप सोचोगे नहीं होगा मेरे से तो नहीं होगा ठीक है आपको ये नेगेटिव चीजें अपने माइंड में नहीं लाना है एक्ट कॉन्फिडेंट जब आप नरेट करोगे सिट स्ट्रेट And your chin should be like this, not like that. Okay, very confidently you have to narrate. Okay, don't sit like this, chupake, lean on, karke, nahi Do not show to the people how nervous you are. You have to be very still. Your hand should be on the knees. Keep a smile on your face very calmly and in a composed manner. Sab ke mein dekke, aapko narrate karna hai. Even if your palms are sweating, your knees are shaking, or your heart is pounding, don't let them affect your uh, narration or le don't let them show or come to your face. Don't tell others that how nervous you are. Just smile, okay? Put your chest out, sit straight, look confident, okay? While you are giving your uh, narrating your story. लास्ट वॉट द लीस्ट इज प्रैक्टिस सो घर में अभी से आपको प्रैक्टिस करना है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिर रिकॉर्ड योर सेल्फ मेक समू सिट इन फ्रंट ऑफ यू मे बी अ फैमिली में फ्रेंड टेल देम टू नोट डाउन योर बॉडी लैंग्वेज योर टोन योर वॉल्यूम योर फेसियल एक्सप्रेशन द कंटेंट ऑफ वट एवर यू आर सींग दोन ऑफ योर वॉइस द वॉइस मॉड्यूलेशन बॉडी पॉस्चर जेस्टर्स एवरीथिंग ओके लाइक दिस इफ यू गेट द फीडबैक ट्राई टू इम्प्रूव ऑन देम यू वो सी कि जितना आप घर में प्रैक्टिस करोगे फ्लुएंटली नरेट करना जब आप स्टोरी लिख रहे हो एक मिनट का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो आप देखोगे बहुत अच्छे से आप अपने पीपीडीटी में भी नरेट कर पा रहे हो स्टोरी को जब भी आप स्टोरी नरेशन करने बैठोगे इन सारे टिप्स को याद रखना है और अपने नरेशन को मजबूत बनाना है और, और प्रॉपरली कॉन्फिडेंट वे में अपने नरेशन को करना है